hello and welcome. you're watching v on world is one, india's only international channel. i am shobhit mittal. in just minutes from now, indian prime minister narendra modi will address the nation through his monthly radio program, monkey Baat. he will be updating the nation on india's fight against covid-19. remember, just yesterday, indian government relaxed certain lockdown measures in order to boost the economy. and now we're getting across to the prime minister. Namaskar. आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव फोन कॉल की संख्या सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा है कई सारे विषयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुंची हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं सुन पाऊं आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटू साथियों भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रीवन है भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है आप लड़ रहे हैं जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है आप कहीं भी नजर डालिए आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रीवन लड़ाई इसकी जरूर चर्चा होगी पूरे देश में गली मोहल्लों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो लॉकडाउन का पालन हो अस्पतालों की व्यवस्था हो मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो आज पूरा देश एक लक्ष्य एक दिशा साथ साथ चल रहा है ताली थाली दिया मोमबत्ती इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है शहर हो या गांव ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम कैश में जमा करा रहा है कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है कोई मास्क बना रहा है कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं साथियों दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रीवन बना रहा है और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है निरंतर मजबूत होता रहा है चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व तो लेना हो टॉयलेट बनाने हो अनगिनत बातें ऐसी है इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन एक मजबूत धागे से पिरो दिया है एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है मेरे प्यारे देशवासियों मैं पूरी नम्रतापूर्वक बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है ये प्लेटफॉर्म है कोविड वॉरियर्स डॉट डॉट इन मैं दोबारा बोलता हूं कोविड वॉरियर्स डॉट डॉट इन सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलेंटियर्स सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से सवा करोड़ लोग जुड़ चुके हैं इनमें डॉक्टर नर्सिस से लेकर हमारी आशा एएनएम बहने हमारे एनसीसी एनएसएस के साथी अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं आप भी कोविड वॉरियर्स डॉट जीओवी डॉट इन से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं कोविड वॉरियर बन सकते हैं साथियों हर मुश्किल हालात हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है कुछ न कुछ सिखा करके जाती है सीख देती है कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है हमारे बिजनेस हमारे दफ्तर हमारे शिक्षण संस्थान हमारा मेडिकल सेक्टर हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है साथियों देश जब एक टीम बनकर के काम करता है तब क्या कुछ होता है ये हम अनुभव कर रहे हैं आज केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं हमारे एविएशन सेक्टर में काम कर रहे लोग हो रेलवे कर्मचारी हो ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही तीन लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है इसी तरह रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो इस काम के लिए भारत के रेलवे करीब करीब साठ से अधिक रेल मार्ग पर सौ से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वॉरियर ही है साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है गरीबों को तीन महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है स्थानीय प्रशासन राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है मेरे प्यारे देशवासियों देशभर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है हमारे डॉक्टर नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था मेरे प्यारे देशवासियों हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को समाज को हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की अहमियत का हमें आभास हो रहा है हमारे घर में काम करने वाले लोग हो, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हों पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो, इन सब की कितनी बड़ी भूमिका है हमें ये अनुभव हो रहा है इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलीवरी करने वाले लोग मंडियों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हमारे आस पड़ोस के ऑटो चालक रिक्शा चालक आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है आजकल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे डॉक्टर हो सफाई कर्मी हो अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था, था हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं दवा पहुंचा रहे हैं जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है हमारे मन को जगजोर दिया है हमारे दिल को छू लिया है एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है साथियों हम अक्सर सुनते हैं प्रकृति विकृति और संस्कृति इन शब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा अगर मानव प्रकृति की चर्चा करे तो ये मेरा है मैं इसका उपयोग करता हूं इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होता इसे हम प्रकृति कह सकते हैं लेकिन जो मेरा नहीं है जिस पर मेरा हक नहीं है उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ उसे छीनकर उपयोग में लाता हूं तो हम इसे विकृति कह सकते हैं इन दोनों से परे प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नजर आती है जब कोई अपने हक की चीज अपनी मेहनत से कमाई चीज अपने लिए जरूरी चीज कम हो या अधिक इसकी परवाह के बिना किसी व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक के हिस्से को बांट करके किसी दूसरे की जरूरत पूरी करता है वही तो संस्कृति है साथियों जब कसौटी का काल होता है तब इन गुणों का परीक्षण होता है आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप हमारी सोच के अनुरूप हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है लेकिन साथियों भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बेड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर देखिए हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे गर्म पानी काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा साथियों वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं संभवतः है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं उसे हीन समझने लगते हैं भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा हाँ इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा कुछ करके दिखाना होगा साथियों वैसे कोविड 19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागृत किया है जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना कोरोना की वजह से बदलती हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे लेकिन अब हो यही रहा है हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है आप सबको भी याद होगा एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे क्या घर में कोई बीमार है यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है ऐसी एक धारणा बनी हुई थी हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है आप देखिएगा मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर तो देर भले हो गई हो लेकिन अब यह थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए ये बातें जहां बेजिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी मेरे प्यारे देशवासियों ये सुखद सहयोगी है कि आज जब आपसे मैं मन की बात कर रहा हूं तो अक्षय तृतीया का पवित्र पर्व भी है साथियों क्षय का अर्थ होता है विनाश लेकिन जो कभी नष्ट नहीं हो जो कभी समाप्त नहीं हो वो अक्षय है अपने घरों में हम सब इस पर्व को हर साल मनाते हैं लेकिन इस साल हमारे लिए इसका विशेष महत्व है आज के कठिन समय में यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा हमारी भावना अक्षय है यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां रास्ता रोके चाहे कितनी भी आपदाएं आए चाहे कितनी भी बीमारियों का सामना करना पड़े इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अक्षय पात्र मिला था अक्षय पात्र यानी एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है हमारे अन्नदाता किसान हर परिस्थिति में देश के लिए हम सबके लिए इसी भावना से परिश्रम करते हैं इन्हीं के परिश्रम से आज हम सबके लिए गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्न भंडार है इस अक्षय तृतीया पर हमें अपने पर्यावरण जंगल नदियां और पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती अक्षय रहे क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का यह पर्व दान की शक्ति यानी पावर ऑफ गिविंग का भी एक अवसर होता है हम हृदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं वास्तव में महत्व तो उसी का होता है यह बात महत्वपूर्ण तो नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं संकट के इस दौर में हमारा छोटा सा प्रयास हमारे आसपास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है साथियों जैन परंपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण दिन रहा है ऐसे में जैन समाज इसे एक पर्व के रूप में मनाता है और इसलिए ये समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना पसंद करते हैं चूंकि आज कुछ नया शुरू करने का दिन है तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धरती को अक्षय और अविनाशी बनाने का संकल्प ले सकते हैं साथियों आज भगवान बसवेश्वर जी की भी जयंती है ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भगवान बसवेश्वर की स्मृतियां और उनके संदेश से बार बार जुड़ने का सीखने का अवसर मिला है देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम सद्भावना संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाए इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे सड़कों पर बाजारों में महलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो दो गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं वाकई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूप ही बदल दिया है रंग रूप बदल दिए हैं अभी पिछले दिनों ही हमारे यहां भी बिहू बैसाखी पुथंडू, विशु ओडिया न्यू ईयर ऐसे अनेक त्यौहार आए हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और समाज के प्रति शुभ चिंतन के साथ त्यौहारों को मनाया आमतौर पर वे इन त्यौहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी साझा करते थे लेकिन इस बार हर किसी ने संयम बरता लॉकडाउन के नियमों का पालन किया हमने देखा है कि इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है अपने समाज अपने देश के प्रति ये जिम्मेदारी निभाना आज की बहुत बड़ी जरूरत है तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को परास्त कर पाएंगे मेरे प्यारे देशवासियों इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते और आप सब भी मेरे ही परिवारजन हैं तब कुछ संकेत करना कुछ सुझाव देना ये मेरा दायित्व भी बनता है मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूंगा हम कतई ही अति आत्मविश्वास में नफस न फंस जाएं हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में हमारे गांव में हमारी गली में हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है देखिए ऐसी गलती कभी मत पालना दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहां तो बार बार कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी याद रखिए हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है हमारे पूर्वजों ने कहा है अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथे पुनः पुनः प्रवर्धित तस्मात शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा और मैं फिर एक बार कहूंगा दो गज दूरी बनाए रखिए खुद को स्वस्थ रखिए दो गज दूरी बहुत है जरूरी आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं अगली मन की बात के समय जब मिले तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ति की खबरें दुनिया भर से आए मानव जात इन मुसीबतों से बाहर आए इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम अनुभव कर रहे हैं All right, दैट was India's प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग द नेशन थ्रू हिज monthly radio program, Man Ki Prime Minister making some very essential points. He's saying that the world will remember that this was a people-driven fight led by the people of India against this pandemic. He said that every Indian is a soldier and a leader in this fight against the coronavirus pandemic. Prime Minister Modi also hailed that service workers, sanitation workers, health workers, doctors, policemen, are finally getting the recognition for their tireless service towards the nation, and that the nation is realizing the importance of such uh, essential service workers. And Prime Minister Modi has urged the nation to continue to maintain social distancing measures as India fights the coronavirus. Remember, currently, India has uh, over 800 deaths due to the coronavirus over the last 24 hours india has seen a surge of cases over 2000 cases as well prime minister modi saying that it's very important that indians maintain their focus and continue to fight the coronavirus with all their strength